संता जनार्दन का स्वागत अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए आज इस मैच का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र राय अधिवक्ता एवं साथ में सभी जन प्रतिनिधि मिलकर के आज ये मिलन चक बरान झूल टोला के बीच फाइनल महामुकाबला मैच का उद्घाटन करेंगे। मैं चाहता हूँ माननीय महोदय आएंगे सब लोग और इस मैच का उद्घाटन होगा। हंसुआ पंचायत में यह अद्भुत होगा, ये पहली बार आप देखेंगे कि फाइनल टूर्नामेंट मैच के बाद गायक बनाम विधायक यानी कि जनप्रतिनिधि के बीच होगा। आप देखेंगे आज का नजारा अलग होगा। मैं चाहता हूँ जब रिजन कटे और उद्घाटन हो तो ताली एकदम कड़कड़ा कर बजना चाहिए। देखिए तो देख लीजिए पसीना छूटा है मुखिया जी को रिंकू भैया को, क्या कमाल के फील्डिंग रिंकू भैया कर रहे हैं। भारी भक्कम शरीर है फिर भी शॉट पे लगे हुए हैं, लाजवाब। और देखिए इधर बहुत रखे लगे भाई बालिकुमार
भैया की अगली गेंद और इसे वाइड बॉल करार दिया गया। ये मारने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि सफल हो नहीं पाए और बाली कुमार भैया काफी छका भी रहे हैं। एक आध बॉल वाइड डाल करके मुकेश जी, बाली कुमार भैया एक आध बॉल वाइड डाल करके और टॉप विकेट ले रहे हैं। क्या लॉलीपॉप दिखा करके विकेट ले रहे हैं। चलिए बिंटू भाई मेरे बहुत अच्छे कलाकार आए, ये देखिए वाइड रन कितना हुआ मेरे भाई राकेश जी भरवा से, मेरे भाई लोग स्कोरिंग कर रहे हैं 25 रन। वाह धीरज मेरा भाई छोटा स्कोरिंग कर रहे हैं और बिंटू भाई अगले गया, लेकिन मुखिया जी काफी अच्छा फील्डिंग करने की कोशिश की। भारी भरकम शरीर था, कैच जरूर छूटा है भारी भरकम शरीर से, लेकिन चूंकि शॉट पे लगे हैं और कमाल की बात मुकेश बाबू ये है कितने भारी भरकम शरीर वाले। चलिए अगली गेंद बाली कुंवर जी के हाथों से और ये बहुत आउट, क्लीन बॉल, क्लीन बॉल। जल प्रतिनिधि का एक तरफ से बाली कुंवर भैया जीत रहे थे, हमने अभी पिछले गेंद पे कहा था ये वाइड बॉल देते हैं लॉलीपॉप दिखाते हुए और उसके बाद विकेट खींच लेते हैं। अच्छा ये बात है, आइए 23 के स्कोर पे 3 विकेट गिर गया है। बिट्टू भैया पवेलियन जा चुके हैं, ये बिट्टू भैया का यह प्रयास है, माइका रिकॉर्ड्स भी इधर पीछे लगा है और यहाँ ठीक सामने माइका न्यूज जी। उसके बाद आपको बता दूं समृद्धि न्यूज चैनल तमाम सारे चैनल से लगे हमारा बिहार। अगली गेंद एक रन और ओवर थ्रो के चक्कर में देखिए दूसरा रन होता नहीं हुआ और इसी के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है, कुल स्कोर 26 रन। भैया भाई विकेट के नुकसान पर पागल भैया लगातार दो को छक्का जमारी, 500 रुपया सुग्रीव बाली भैया की तरफ से इनाम बा, लगातार दो को जो विकेट ली हुई 500 रुपया। ये महाराज बताओ पंचैया के बाद बाकी 500 लेता देखे के बाद बा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, अब थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं तो मैं कहीं भी रहता हूँ उनसे आई कॉन्टेक्ट कर पाता हूँ। और 42 रन हुआ और दुष्पक से 2 रन पीछे है कलाकार के टीम। बिमल मोहार भैया काफी मुस्तैद है, दोनों कैमरा उनके आगे पीछे घूम रहा है और हाँ पानी विशाल गगन जी का इशारा पानी का मेंटल बॉक्स से ले जाइए, राहुल किधर में पानी ले जाइए विशाल गगन जी। और कुछ अगली गेंद और 4 रन, ये देखिए अभी तो कमेंट्री बॉक्स में स्टार्ट हो गया छक्के चौके गया है, क्या कहेंगे बादल भैया। नहीं नहीं हम कहेंगे स्कोर बताने के बाद कहेंगे, अभी तो बॉलिंग कर रहे हैं ना मेरे भाई। 48-52 रन हुआ है, अर्ध शतक लग गया कलाकार की तरफ से। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए जोर से कलाकारों की तरफ से, अर्ध शतक लगा है। ये देखिए अब अगली गेंद बहुत अच्छा कोशिश किए घुमाए राजा भाई, क्या कमाल का 4 रन। BSNL चौका कमेंट्री भोजपुरी कलाकार इंडिया, आप तो हिंदी बोल रहे हो ना, आप तो लंदन थोड़ी बोल रहे हो। 56 रन हुआ अभी कलाकार खोल करके खेलना शुरू किए राजा भैया, हालांकि बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और गेंदबाजी स्पिन हो रही है जनप्रतिनिधि की तरफ से। कमाल की बात यह है कि थोड़ा सा जनप्रतिनिधि टीम के जो जितने भी खिलाड़ी हैं लॉलीपॉप पहले दिखाएंगे उसके बाद विकेट चटकाएंगे, ये कमाल के लोग हैं। अगली गेंद और फिर उठा कर मारने का प्रयास, लेकिन अच्छा कम बैक किए, अच्छा कम बैक हुआ और अभी भी कुल स्कोर 56 रन। कमाल की अद्वितीय क्रिकेट मैच, बेहतरीन क्रिकेट मैच, 56 रन। और ये देखिए काफी लंबा शॉट और ये राजा भाई ने क्या बैट घुमाया है कि, और काफी अच्छी फील्डिंग मिल गई प्रिंस भाई। पांचवा ओवर चल रहा है, 3 विकेट गिर चुका है और 57 रन।
पाया, लेकिन दूसरे रन हो सकते थे लेकिन नहीं चुरा पाया। इतना कमाल का शॉट था, इतना कमाल का शॉट था कि एक रन से आगे बढ़ ही नहीं पाया। और इस शॉट को अगर कमाल के शॉट कहेंगे तो मुझे नहीं पता छक्का लगने पर उसको क्या कहा जाएगा, वो भी बता देंगे कि उसको क्या कहा जाएगा, नहीं मालूम है तो भी हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर बॉलिंग मार्ग से भारी भरकम करी और ये गेंद प्रिंस भैया है, कुछ भैया हो गया है, करेगा नहीं शॉट के आगे कैच छूट गया है। दो खिलाड़ी थे और दोनों ये समझ नहीं था कि कैच लेना किसका है। वाह, आतिशबाजी शुरू। धनचुहा पंचायत में बिहार का यह द्वितीय मैच होगा जहां हो रहा है, जहां पर कलाकार और जनप्रतिनिधि क्या कमाल की मोहब्बत के साथ खेल रहे हैं। 59 रन हो गया है और ये आइए और बादल भैया, गेम का ये दौर चल रहा है, हम लोग का संबंध है पान मसाले का, दोनों भाई का जैसे पान मसाले में संबंध होता है, लेकिन थोड़ा सा नुकझुक होता रहता है। एक सर मैं आपको सुना देना चाहता हूं कि वो नम आंखे, वो नम आंखे लबों से यूं कहानी छीन लेती है, वो नम आंखे लबों से यूं कहानी छीन लेती है, जैसे बादल से हवा पानी छीन लेती है। मसाहिल ने हमें बुढ़ा किया वक्त से ज्यादा पहले, उलझने अक्सर जवानी छीन लेती है। घबराना नहीं है ये छोटे प्रिय भाई, ये पैसा नहीं चाहिए यार, प्रतिनिधि लोग दे देंगे तुमको, छोटे प्रिय भाई हो बैठो। इसका जवाब ले लीजिए मुकेश जी कि पदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, खुद को बाणीपुर का कहना छोड़ देंगे हम, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज फाड़ देंगे और कलम तोड़ देंगे हम। आप कलम तोड़ सकते हैं, मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि कलम का संस्कार है उस लिपि से ही है कि मैं उसको तोड़ नहीं सकता, मैं उसको नमन कर सकता हूँ, उसको प्रणाम कर सकता हूँ, क्योंकि सरस्वती का ये उद्गम पॉइंट है, जिस कलम से मैं लिखता हूँ उसको तोड़ता कभी नहीं हूँ। क्योंकि झूठ लिखते हो, झूठ बोलते हो, झूठा ही रहना, झूठा ही खाना है, झूठ में जाकर के माफी बनाना है, यही आपकी नियति है। कौन मुझसे नहीं है, कौन क्या कहता है ये जनता है, सब जानती है कि कौन क्या करता है, ये जानता है, सब जानती है, और रेड टी शर्ट वाले को अच्छी तरह से पहचानती है। अब यदि डर के मारे लाल पहनना शुरू कर दिए, यदि रेड सिग्नल नहीं होता तो हिंदुस्तान की ट्रेन पटरिया पर नहीं होती, कहीं खाड़े में जाकर गिर जाती, इसलिए रेड का महत्व है कि सिग्नल यदि नहीं होता तो हिंदुस्तान की ट्रेन चलती नहीं, इसलिए हिंदुस्तान के साथ बढ़ाने के लिए एक बार ताली ठोक दीजिए। बहुत यही कारण है कि बीच फील्ड में जब जाते हैं तो रेड रिबन को काट देते हैं, एक बार ताली बजा दीजिए उस काटने के लिए संस्कार को, हमने रेड को काटने में भी जाना है। एक बात बता दो, जनप्रतिनिधि की तरफ से कलाकारों का भी कुछ भिक्षा दान मिला, हमको सम्मान मिला। एक मिनट, आप भिक्षा दान कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ, ये सम्मान है। जनधन योजना से खाता खुलता है, लेकिन मुखिया जी 500 रुपए से खाता खुला, ऐसे होगी छोटू भैया का जो चल। और सबसे बड़ा बात आज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा, ये नीरज भैया है, इनके पैरों में चैन नहीं रहता है, समाज के प्रति जो सेवा करने का भाव है, इतनी कम उम्र में जो आपने सहार प्रखंड में, और आज इनका बर्थडे भी है, तो मैं चाहता हूँ कि इनको सम्मान में पर जोरदार ताली बजा करके लंबी उम्र की कामना करें। बहुत बहुत आभार आपका नीरज भैया।
हम लोगों के तरफ से मीडिया संघ के सभी बंधुओं की तरफ से नीरज जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई है। बहुत बहुत आभार। और सभी की तरफ से कलाकार जो मंच से दिल जीतते हैं, फील्ड में भी दिल जीतते नजर आ रहे हैं। और कमाल की क्रिकेट अद्वितीय, आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज के बाद जो लोग करेंगे नकल करेंगे कि अगली गेंद और कमेंट्री बॉक्स के दिशा में चार रन, कमेंट्री बॉक्स के दिशा में चार रन। और अब हर की नेता और अभिनेता गायक और जन प्रतिनिधि के बीच ये मुकाबला, और ये देखने लायक बात है। अभी बाइक ले रहे हैं हमारे अमित गिरी भाई के। ये देखिए कहाँ जा रहे हैं भैया, जाना नहीं है, हार रहे तो भाग रहे कहा कौशल। ये देखिए भैया गोविंद भैया वही भाग रहे हारे के डरे, आगे भी जाए तो नहीं थे, बहुत सब पीछे हो जाइए आप लोग प्लीज। अभी तो इधर मैच हो रहा है, मजा ले रहे मैच का थोड़ा सा ना। चलिए अगली गेंद, भैया बड़े ही हम सबों के बड़े भाई गार्जियन, उनको सम्मानित करेंगे नीरज भैया युवा समाज सेवी सहार प्रखंड। अगले गेंद हवा में, हालांकि रन आउट होंगे ही होंगे, जख्मी जितेंद्र भैया रन आउट होंगे। ओवर चल रहा है, अठवा ओवर चल रहा है, 86 रन, हेलो 5 विकेट का नुकसान पर। और भारतीय जनता पार्टी के भोजपुर जिला कला संस्कृति से और भोजपुरी के बहुत अच्छे गीतकार हम सबों के बड़े भाई गार्जियन विनय बिलावर जी को सम्मानित करेंगे अंग वस्त्र और मलार्पण दो नीरज राय भैया। और इसी के साथ 4 रन और कुल स्कोर जा पहुंचा है 90 रन हो गया है। अठवा ओवर प्रगति पे है, सामने वाले फुटबॉल 5 विकेट का नुकसान पर। और इसी के साथ एक रन और कुल स्कोर जा पहुंचा है 91 रन, 91 रन हो गया। और हम सब के बड़े भाई चंदन पत्रकार महोदय चंदन भैया मैं गुजारिश करता हूँ चले प्रति बॉक्स में। और देखना ये है आउट, विशाल गगन, अरे नहीं आए पड़ी भैया तो आउट हो गए हैं, रन आउट करार दिए गए हैं विशाल गगन। आउट होगा तो क्या होगा, रन तो कमाल के मारे हैं, छक्के चौके कितने धमाल मचा है। अभी मैं स्कोर बता रहा है, जब आप सम्मानित कर लीजिएगा ना फिर मुकाबला कर लेंगे, सम्मानित कर लीजिए ठीक। अभी स्कोर बता रहा है कि 6 विकेट गिरा है, कुल स्कोर 90 रन हो गया है। और जनप्रतिनिधि खेमे में विशाल गगन के आउट होने से एक खुशी का लहर है, क्योंकि दमदार खिलाड़ी थे, लंबे लंबे शॉट लगाने में माहिर है विशाल गगन, मुझे पता
हेलो सुनील भैया पत्रकार मौज आई ना आई सुनील भैया चलना भाई दोनों लोग साथ ही आवे के बाद रउआ से रउआ चौथा स्तंभ माने रउआ से पत्रकार महोदय थप्पड़ी बात जाए कालिया सब के बढ़िया से पेपर में सजा के लिख दे कि बहुत शानदार भय तब ना लोग जाने के हाँ अब असंदार होते पड़े फोटो आ गए और इस तरह से एक ओवर और समाप्त हुआ आठ ओवर समाप्त हो गया कोई स्कोर अभी भी ना दे रहा नगली गेंद और इसे उठाकर खेलने का प्रयास